है, लेकिन नगर निगम दक्षिण और उत्तर के आयुक्तों द्वारा मेले को लेकर गंभीरता नहीं दिखाई दी है। गणेश पूजन के समय भी मेला समिति के अलावा कोई अधिकारी मौके पर मौजूद नहीं रहा। इस पर महापौर मंजू मेहरा और उप महापौर पवन मीणा ने प्रतिक्रिया दी है। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगी 2024-25 का राष्ट्रीय दशहरा मेले की शुरुआत आज हमने गणेश स्थापना करके की है, जो कि देव सवनी 11 के पहले इसकी पूजा होती है। तो हम सभी के द्वारा आज हमने पूजा की है और दशहरा मेले की शुरुआत की है। अब आगे देखते हैं कि दशहरा मेला हम किस तरह भरवाएंगे और किस तरह भरेगा, क्योंकि हम बार बार कहने पर भी दोनों नगर निगम ने गणेश जी की पूजा नहीं की और आज हमने समिति ने सभी ने पार्षदों ने सभी ने मिलकर ये स्थापना की है। कम से कम हमने और हमारे द्वारा ये शुरुआत की है कि हमने जो ये प्रथा है, परंपरा जो चली आ रही है कि मेले के पहले गणेश पूजन होनी चाहिए देव सोनी के पहले, तो आज हमने इस परंपरा को नहीं तोड़ा है और हमारे द्वारा सबके द्वारा ये हमने पूजा की है। उनका तो कहना है कि भाई हमारे को इन्विटेशन ही नहीं दिया। इनविटेशन किसको देती? दोनों आयुक्त को लेटर लिख चुके हैं, इसमें कोई ये तो है ही नहीं कि उनको मैं ना जो निमंत्रण देती कि आओ पूजा हर साल वही करवाते हैं और हमें बुलाते हैं कि मैडम उस दिन पूजा है और आप आ जाओ, और सब हम आ जाते हैं, पार्षद वगैरह सब आ जाते हैं। हम बार बार कहने पे मौखिक भी कहा हमने और यू नोट भी दिया, दोनों नगर निगम ने ये पहल नहीं की कि अपन को दशहरे की शुरुआत करनी है देव सोनी के पहले पूजा करानी है, जो कि नहीं करा सके वो। हमने ये कदम पहल की है कि हम इस परंपरा को नहीं तोड़ेंगे। बात कर दी है, इस बार किस तरह का आयोजन की योजना है? जैसे जो कोटा का मेला दशहरा मेला जो है 131वां का आज गणेश पूजन के साथ में, गणेश स्थापना के साथ में आगाज हुआ है, और अभी तक हमारे जो पिछले 3.5 साल में हमें जो मौका मिला, जो मेला का जो हमने आयोजन किया था वो अभी तक का सबसे सफल आयोजन रहा। और इसी प्रकार हमारा अभी भी ये प्रयास, हमारी पूरी समिति का, हमारे जितने भी पार्षद हैं सभी का प्रयास ये है कि कोटा की जो परंपरा है, जो मेला इतने सालों से बढ़ता आया है, इस मेले को अपने एक अच्छे मुकाम पर पहुँचाया जाए, एक अच्छे आयोजन कराया जाए, एक अच्छे जो कलाकार हैं उनको बुलाया जाए। लेकिन फिर भी हमें ये लगता है कि हमारे जो नगर निगम दक्षिण के उत्तर के जो अधिकारी हैं वो इस मेले को लेकर बिल्कुल भी उत्साहित नहीं है। बार बार उनको यू नोट दिया गया, बार बार उनसे आग्रह किया गया कि समय पे जो है गणेश पूजन होना है, लेकिन उनका जो रवैया है वो बहुत गलत दिख रहा है। जो मूलभूत सुविधाएं हैं शहर की, उनमें भी हम ये देख रहे हैं अक्सर पिछले 6 महीनों से लगातार उनके रवैये में बहुत ज़्यादा कमी आ रही है। पर हमें ये विश्वास था कि कम से कम गणेश पूजन में और दशहरे को लेकर जो है वो कहीं ना कहीं उत्साहित रहेंगे, पर लेकिन उनका उत्साह जहाँ का जहाँ नरम सा रहा, और हमें नहीं लगता कि भाई वो पिछले वर्ष के जैसे जो अभी तक का जो सबसे बहुत ही शिकायतों भरा मेला आयोजित किया गया था इन अधिकारियों के माध्यम से, तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में भी ये इसी तरीके से विवादों में उलझे रहेंगे और मेले को जो है खराब करने का इनका प्रयास रहेगा, मुझे तो ऐसा लगता है। चलिए इस वक्त की एक और